एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहाज व्लॉग। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है, इंस्टेंट है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बंगाली मिठाई, इंस्टेंट बंगाली मिठाई। अगर आपको पसंद आएगी तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं हम इंस्टेंट बंगाली मिठाई। तो यहाँ पे हमने एक कप पनीर लिया है, ग्रेट किया हुआ है, और ये 3/4 कप हम यहाँ पे पेठा ग्रेट करके ले लेंगे। ये हम यहाँ पे पेठा ग्रेट कर रहे हैं, और साथ में हमने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी लेके रखा है। ये भी 3 से 4 चम्मच लगेगा हमें। तो अब हम इन तीनों को एक बड़े बोल में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए 3/4 कप के करीब पेठा, और अच्छा सॉफ्ट पनीर लेना है हमको इसके लिए। ये हमने कर लिया है, इसको ग्रेट कर लिया है, और ये 3 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे खोपरा भूरा इसमें ऐड किया है। बस अब हम इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से एक सार हो जाना चाहिए, तो हम इन हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। तो ये देखिए तैयार है। बस अब हमारी मिठाई शेप लेने के लिए तैयार है बिल्कुल। आप जैसा शेप चाहे उस शेप की मिठाई बनाएं। अब हमने शेप दिया है, हम मैंने कुछ राउंड शेप बनाए हैं, कुछ ऐसे ओवल शेप बनाए हैं। आपको जैसी इच्छा है वैसे शेप की मिठाई बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने राउंड शेप बनाया, और इसको हम इससे खोपरा बुरा से कोट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही हम सारे बना लेंगे, पूरे मिक्सचर के शेप देके, अच्छे से मिठाई का शेप देके बनाएंगे इसको। ये देखिए सारे 2 शेप में मैंने बनाई है, यहाँ पे बन गई है। अब हम थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे इस पर। तो ये 2 कलर लिए मैंने, रेड और ग्रीन। अब इनसे थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन हम दे देंगे इसके ऊपर। ये देखिए टूथपिक ले लीजिए कोई भी, उससे आपको जैसा मन करे वैसे डिज़ाइन इस पर डालिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार होती है ये, और देख के कोई आपको बता भी नहीं पाएगा कि घर पे बनाई है, इतनी बढ़िया मिठाई है ये। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा, देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। यहाँ मैंने येलो पेठा लिया था, वाइट पेठा भी मिलता है मार्केट में। अगर आप वाइट लेंगे तो पूरी वाइट कलर में बनेगी ये, इसमें हल्का सा येलो कलर आया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर, इसमें ऑरेंज दिख रहा है पर एक्चुअली रेड कलर है। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है, कोई बता सकता है ये घर पे बनी हुई मिठाई? तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है इसे बनाना। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि और भी रेसिपीज आगे मैं आपके साथ ऐसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये तैयार है हमारी बंगाली मिठाई, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। एक बार आप ज़रूर इसे बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी भी है। बस अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर हम इसे खा सकते हैं। अगर इसको मिठाई के बॉक्स में आप रख के दे देंगे ना, तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि घर की बनी है कि मार्केट की बनी है। तो बनाएंगे ना, ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक भी करिएगा। ओके, फिर मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।